दोस्तों आज हम सस्ता सा मेटल डिटेक्टर बनाएंगे। उसके लिए आपको पहले चाहिए ऐसा कॉपर वायर। इसको दो खिले के साथ ऐसे लिपटाएंगे धीरे धीरे। 150 टर्न देना होगा। हाँ तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। हाँ तो ये करीब हो गए और ये लास्ट टर्न था। फिर इसको लगाएंगे ऐसे। फिर इसका जो दो टर्मिनल है इसको छील लेंगे। इसके ऊपर इंसुलेटर रहता है। एक बार इसका कंटिन्यूटी आप चेक कर लेना कि ये बीप कर रहा है नहीं। तो देख सकते हैं बीप कर रहा है, मतलब ये एकदम ओके है। अब एक पतला सा वायर लेंगे और इसका जो बीच में घुसा के इसको अलग करके बांध देंगे। तो ये निकल नहीं रहा है, ड्राइवर की मदद लेते हैं। फिर इसको बांध देंगे कुछ इस तरह। फिर इसका जो एक छीला है उसको निकाल देंगे। फिर इसको खोल के राउंड कर लेंगे। फिर एक तार लेंगे और इसके चारों ओर इसको लिपटा देंगे। बहुत टाइट से करना ताकि ये ना हिले। तो ये हो गया और ऐसा दिखेगा आपको। अब मेन पार्ट आता है, आप ध्यान से समझना। अब देख सकते हैं मैं जब भी कोई मेटल इसके पास लेके आ रहा हूँ तब इसका जो रीडिंग है वो 3 डिजिट में आ रहा है, नहीं तो 2 डिजिट में आ रहा है। तो जब भी 3 डिजिट का रीडिंग आए तो समझ जाना मेटल है इसके पास। तो अब देख सकते हैं ये सस्ता सा मेटल डिटेक्टर है। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आखिर में बताऊँगा ये कैसे काम करता है। फिर आपको चाहिए ऐसा एक पाइप, आप लकड़ी का डंडा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका साइड में 2 होल कर देंगे कुछ ऐसा। फिर इसके अंदर इसको घुसाएंगे ये जो कॉयल है। फिर इसको धीरे से घुसाना। इस वायर का जो इंसुलेशन होता है वो अगर स्क्रैच हो जाए तो लॉस हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर, तो फिर ये कॉयल किसी काम के नहीं रहेगा। तो घुसाने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। फिर एक रस्सी लेंगे और इसको बांध देंगे टाइट से बांधना ताकि ना हिले। तो बांधने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा आपको। उसका एंगल करके ऐसे बांधना। फिर इसका जो वायर है इसको ले आएंगे ऊपर, ऐसे घुमा घुमा के ऊपर ले आना इसको। इधर एक नॉट बांध देंगे। फिर हमारा जो मल्टीमीटर है उसको ऐसे इसको लगाएंगे इसके ऊपर। चिपकाने के लिए सेलो टेप इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरह इसको लगाएंगे। किसी भी और एक का हेल्प लगेगा इसको पकड़ने के लिए। एक्स्ट्रा को काट के निकाल देंगे। धीरे 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 करना, इसको टाइट करके चिपकाना ताकि ये ना हिले। तो आप देख सकते हैं ये नहीं हिल रहा है। फिर मल्टीमीटर का जो वायर है इसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। फिर वायर का कनेक्शन कर देंगे। तो हो जाने के बाद चलिए टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये मेटल के नीचे नहीं है तब इसका वैल्यू 100 से नीचे है, और जब ये मेटल के पास जा रहा है तब इसका वैल्यू 100 से ऊपर जा रहा है। अभी देखिए नहीं है, अभी देखिए 100 से ज़्यादा है। अब मेरा दोस्त ज़मीन में कुछ मेटल का पीस गाड़ दिया है, तो मैं इस मेटल डिटेक्टर के ज़रिए इसको ढूँढूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है 100 से नीचे है। तो ढूँढते हैं, अभी तक मेटल नहीं मिला। अरे कहाँ छुपाया इसको। हाँ अभी अब देखें कि इसका जो वैल्यू है 400 के ऊपर गया था और अभी भी इसका वैल्यू 100 के ऊपर है, तो मतलब इसके नीचे कुछ है। तो चलिए फुटते और निकालते हैं क्या इसके नीचे। अरे कहाँ गया, इधर इधर रहना चाहिए।
हाँ तो मिल गया, आप देख सकते हैं कि एक प्लायर घुसाया था मेरा दोस्त, तो ये मिल गया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात रही कि ये काम कैसे करता है, तो हमने जो कॉयल बनाई हुई इंडक्टर जैसे काम कर रहा है, और बीच में जब कोई मेटल आ रहा है तो इसका कोर में चेंज हो रहा है और इसका जो कॉन्टिन्यूटी है उसमें भी चेंज हो रहा है, तो हम एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी मेजर कर रहे हैं। तो शायद आप लोग सब समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।